हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग को रहते हुए एक साल हो चुका था। देन लंजा एंड विंग एक मिशन पे गए थे। उस मिशन पे उन लोगों को एक 19 फॉक्स दिखा जो बहुत पावरफुल थी। विंग ने उससे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो उस फॉक्स ने कहा तुम्हारे अंदर भी तो रिसेंटफुल एनर्जी है ना, तो तुम समझ नहीं सकते मैं यहाँ पर लवर्स को लेकर आती हूँ एंड देन मैं उनमें से कुछ लवर्स को मार के उनसे एनर्जी लेती हूँ। यंग लवर्स पे ज़्यादा रिसेंटमेंट रहता है तो इसलिए उनसे एनर्जी लेना बहुत ही आसान एंड पावरफुल होता है। एंड कुछ कल्टिवेटर्स आए थे यहाँ पे फेक लवर्स बन के, उन्हें लगा था कि मैं फुल बन जाऊँगी बट मैं लव स्मेल कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। ये बोल के उसने स्माइल किया। देन उस फॉक्स ने कहा एंड मुझे लगता है कि तुम भी बुरे नहीं दिखते, तो क्या कहते हो इस वीक ह्यूमन को छोड़ दो एंड मेरा मेट बन जाओ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत सेटिस्फाइड करेंगे फिजिकली भी एंड मेंटली भी। ऐसी बात सुन के पहले विंग ब्लश करने लगा क्योंकि वो फॉक्स ये सब बातें लंजा के सामने कह रहा था। देन उसने कहा नहीं थैंक यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेरा हस्बैंड ह्यूमन नहीं है। ये सुन के लंजा ने अपने स्पेल को डीएक्टिवेट किया। इससे लंजा के हॉर्न्स एंड ईयर्स बाहर आए। ये देख के वो फॉक्स बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने कहा ओ एक ड्रैगन, वाओ नॉट बैड, क्यों ना मैं तुम दोनों को ही रख लूँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये सुन के विंग ने क्लियर किया बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने कहा तुमने कहा कि तुमने सारे ह्यूमंस को नहीं मारा, अगर तुम दोनों नहीं मारा तो वो लोग कहाँ पर है। उस फॉक्स ने पाउट किया और कहा ऑफकोर्स नहीं मारा, मैं उन्हें कुछ टाइम बाद मारूंगी एंड उससे पावर लूंगी। वो सब छोड़ो, मेरे ऑफर का क्या, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। अब विंग को पता है कि उसे क्या करना है। वो लंजा के सामने से हट गया एंड तभी लंजा ने अपने गुचिन निकाला। वो वुमेन हंस रही थी बट जैसे ही लंजा ने गुचिन प्ले करना स्टार्ट किया वो चुप हो गई एंड फ्रोज हो गई। लंजा के गुचिन की वजह से वो फॉक्स पीछे हटने लगी, वो बहुत ही पैनिक हो गई एंड जैसे ही लंजा ने पहला नोट बजाया उस गुचिन की इनविजिबल स्ट्रिंग से उस वुमेन का हेड बॉडी से अलग हो गया एंड वो वुमेन वहाँ पर ही मारी गई। बट विंग को लगा अभी भी कुछ गलत है। विंग ने कहा वो अकेली नहीं है। ये बोल के विंग ने अपना चेंजिंग प्ले करना स्टार्ट किया। जैसे उसने प्ले करना स्टार्ट किया उस फॉक्स के बॉडी एक क्रॉप्स में बदल गया। विंग ने पूछा तुम्हारा मास्टर कौन है, हमें उनके पास लेकर चलो। ये सुनकर उस क्रॉप्स ने नोट किया एंड देन वो वहाँ से जाने लगी। लंजा एंड विंग ने भी उसे फॉलो किया। देन वो फॉक्स एक रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उस रूम का दरवाज़ा बंद था एंड उस रूम के अंदर से किसी ने कहा आर्यन तुम बाहर क्या कर रहे हो, आई होप तुम इस बार कोई अच्छे रिजल्ट लेकर आए होगे वरना तुम्हारा भाई बहुत गुस्सा हो जाएगा। ये सुन के वो कॉर्प्स कांपने लगी। ये देख के विंग को बुरा लगा कि मरने के बाद भी ये कॉर्प्स इतनी कांप रही है, इतनी डरी हुई है। देन उस फॉक्स ने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो लोग अंदर गए। अंदर जाते ही उन लोगों ने देखा कि एक मैन विंडो के सामने बैठा हुआ है एंड स्मोकिंग कर रहा है। उसका हेयर वाइट है, आईज रेड है, उसके फॉक्स ईयर्स है एंड टेल भी फॉक्स का ही है। उस मैन ने उस फॉक्स के कॉर्प्स को एंड लंजक एंड विंग को देखा और कहा आई सी, तो तुम फिर से फेल्ड हो गए, अब मुझे खुद फाइटिंग करना होगा इनसे। ये बोलने के बाद उस फॉक्स ने लंजा पे एंड विंग पे अटैक किया। वो मोस्टली विंग पर अटैक कर रहा था बिकॉज विंग भी एक फॉक्स है। वो विंग पर बार बार अटैक कर रहा था एंड ऑफ कोर्स लंजा वहाँ पर था तो लंजा भी विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। लंजा भी उस फॉक्स के ऊपर अटैक कर रहा था। लंजा के एंड उस फॉक्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। विंग ने भी फ्लूट बजाना स्टार्ट किया। फ्लूट बजाते ही वो फॉक्स के कॉर्प्स फिर से जाग गई एंड वो भी अपने भाई के ऊपर अटैक करने लगी। ये देख के वो मेन फॉक्स डर गया बट स्टिल वो दोनों को ही डिफेंड करने लगा। धीरे धीरे उस फॉक्स को समझ में आ रहा था कि वो हारने वाला है, तभी उसकी नज़र विंग पर गया जो फ्लूट बजा रहा था। ये देख के उस फॉक्स ने अपने बेड के नीचे से एक बॉटल निकाला एंड विंग पर थ्रो किया। विंग ने लगा कि वो बॉटल उसके पास आ रहा है। विंग ने अपने हेड को बचाने के लिए अपने आर्म से अपने हेड को ढका एंड वो बॉटल आके विंग के आर्म पर लगा एंड देन वो बॉटल टूट गया
एन बॉटल टूटते ही उस बॉटल के अंदर से एक स्मेल आया। एन उस स्मेल की वजह से विंग का सर घूमने लगा, वो डिफोकस होने लगा, बट स्टिल वो बांसुरी प्ले करने लगा। एन इस तरफ लंजन भी कंटिन्यू वॉर किया जा रहा था। एन फाइनली लंजन ने अपने तलवार से उस फॉक्स के हेड को भी उसके बॉडी से अलग कर दिया एंड वो फॉक्स मारा गया। जैसे ही वॉर खत्म हुआ, विंग ने फ्लूट बजाना बंद किया एंड उसका फ्लूट उसके हाथों से नीचे गिर गया। विंग का विशन ब्लड होने लगा, उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। इससे पहले वो नीचे गिरता, लंजन ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, विंग। लंजन ने विंग की तरफ देखा। अब विंग के आइस लंजन के आइस में था। विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था, एक्सट्रीमली हॉट। उसे भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने कुछ सोचे बिना ही वो लंजन को किस करने लगा, बिकॉज विंग को बहुत हॉट फील हो रहा था, बहुत। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि इस बॉटल में कुछ तो था जिसकी वजह से विंग को ऐसा फील हो रहा है, वो ड्रग्ड है। बट वो स्टिल लंजा को किस कर रहा था एंड लंजा भी उसे किस कर रहा था। देन फाइनली लंजा विंग से अलग हुआ। वो उसे बार बार पूछने लगा, क्या वो ठीक है? बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा। ये रूम बहुत ही अच्छा है, गुड कंडीशन में है, बट इस रूम पे दो डेड बॉडीज है, तो विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। वो लंजा को खींच के वहाँ से बाहर लेकर गया। दिन भर एक रूम ढूंढने लगा। फाइनली उसे एक क्लीन रूम मिला जहाँ पर एक क्लीन बेड भी है। वो दोनों उस रूम पे आए एंड विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन विंग ने लंजा को बेड पे पुश किया एंड देन उसने अपना आउटर रोप निकाल दिया। विंग को ऐसे देख के पहले लंजा शॉक्ड हो गया। विंग लंजा के ऊपर आ गया एंड देन वो फिर से लंजा को किस करने लगा। वो दोनों ही हॉटली किस कर रहे थे एंड किस के बीच बीच में विंग बार बार लंजा का नाम ले रहा था। वो इतना हॉट फील कर रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। उसे लग रहा था कि लंजा अभी उसे छोड़ के चला जाएगा। विंग कैसे देख के लंजा ने कहा, इट्स ओके, वो विंग को छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा। बट विंग अभी तक कंफ्यूज था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी लंजा ने कहा, विंग तुम हीट में हो, उस बॉटल में जो कुछ भी था उसके वजह से तुम्हारा ये हालत हुआ है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम रुकना चाहते हो? ये बोल के लंजा विंग के आर्म को रब करने लगा एंड कंफर्ट करने लगा। तभी विंग ने कहा, लंजा आई एम सो सॉरी बट अभी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत टाइम से चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम नहाते हुए देखा था, मुझे बहुत हॉट फील हुआ था एंड धीरे धीरे मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। तुम बहुत काइंड हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम मुझे नहीं भी चाहते, फिर भी मुझे अबैंडन मत करो। विंग ऐसे बेक करने लगा एंड रोने लगा। ये देख के लंजन ने विंग को हग कर लिया बहुत ही टाइटली। देन लंजन उन दोनों को फ्लिप किया। अब लंजा उसके ऊपर था। लंजन ने विंग के आइस में ध्यान से देखा एंड देन वो विंग को टच करने लगा और कहा, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ विंग, लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बट तुम अपने आप को फोर्स मत करो। मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, तुम अभी अनवेल हो। लंजा को अपने आप को होल्ड करते हुए देख के विंग रोल कर उठा। उसे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। उसने लंजा को पकड़ा और कहा, इडियट बनना बंद करो एंड मुझे टच करो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हें बहुत टाइम से चाहता भी हूँ। अगर मैं ड्रग भी नहीं होता तब भी मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं करता और ना ही मैं तुम्हें रोकता। मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ लंजा। अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ एंड आई रियली लव यू। मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, बट स्टिल आई वॉन्ट यू। इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने विंग के कपड़े उतार दिया, वो भी सडनली। देन विंग भी लंजा के कपड़े उतारने लगा। उन लोगों ने हरीडली एक दूसरे के कपड़े उतारा। कपड़े उतारने के बाद वो दोनों फुल्ली नेकेड थे। लंजा विंग को ध्यान से देख रहा था, उसके बॉडी को ध्यान से देख रहा था। विंग ने भी लंजा को नेकेड देखकर मौन किया। देन विंग ने बेक करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे और वेट मत कराओ, प्लीज़। ये सुनकर लंजा ने ग्रोल किया एंड देन फाइनली उन लोगों ने लव मेकिंग किया। ये उन लोगों का फर्स्ट टाइम था, पर स्टिल उन लोगों ने बहुत ही रफली लव मेकिंग किया, बिल्कुल बीस्ट की तरह। एंड ऑफ कोर्स वो दोनों ही बीस्ट है, तो ये तो नॉर्मल ही है। फाइनली उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। हाँ, वो टायर्ड था, एग्जॉस्टेड था, बट फिर भी वो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था।
विंग को रियलाइज़ हुआ कि ड्रग का इफेक्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वो बहुत टायर्ड था तो वो लंजे के बाहों में ही सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब वो नींद से उठा, उसके पूरे बॉडी में दर्द था। उसे रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उसे नहलाया है एंड कपड़े भी पहनाया है, एंड ऑफ कोर्स वो इंसान और कोई नहीं, उसका हस्बैंड लांगवांग जी ही होगा। लंजे ने उसे बैठने में हेल्प किया। विंग यॉनिंग कर रहा था, देन फाइनली विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड इमीडिएटली वो ब्लश करने लगा। उसने अपने आइज टर्न कर लिया। वो बेड से उतरने की कोशिश कर रहा था बट लंजे ने नहीं करने दिया। लंजे ने उसे पुश करके फिर से बैठा दिया। लंजे ने कहा, विंग अभी भी ब्लश कर रहा था, उसे बहुत ही शाई फील हो रहा था। लंजे ने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, आई एम सॉरी। ये बोलते टाइम विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। विंग ने कहा, मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया, आई एम रियली सॉरी बट आई रियली रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ बट ट्रस्ट मी, मैं कोई भी स्टेप नहीं लेने वाला था, मैं तुम्हारे सामने कन्फेस नहीं करने वाला था। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जो काम तुम्हें पसंद नहीं, एंड अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो। इसके आगे विंग और कुछ कहता, लंजे ने विंग के माउथ पे अपने हाथ रखा उसे चुप कराने के लिए। फिर लंजे ने विंग के आइज की तरफ देखा और कहा, विंग। ये सुन के विंग थोड़ा शांत हुआ। लंजे ने कहा, आई लव यू एंड मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता था कि तुम हीट में हो बट फिर भी मैंने। ये सुन के विंग ने ब्लश किया। उसने कहा, बट मैं सच में ये सब चाहता था एंड इट्स फाइन लंजा, मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ। ये बोलते टाइम विंग ब्लश करने लगा एंड लंजा के ईयर्स भी पिंक हो गए। उसने विंग की तरफ देखा एंड देन उसने स्माइल किया, एक फुल स्माइल। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया बट उसे अच्छा भी लगा, लंजा कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। विंग ने कहा, प्लीज़ किस मी। ये सुन के लंजा ने फिर भी स्माइल किया एंड देन वो विंग को किस करने लगा। ये किस बहुत ही जेंटल था, सॉफ्ट था। फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग भी स्माइल कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत हैप्पी था। विंग के पूरे बॉडी में दर्द था तो लंजा ने उसे उठने में हेल्प किया। उन लोगों ने अपने कपड़े ठीक से पहना एंड देन लंजा विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करने लगा। देन वो दोनों शॉर्ट में वापस जाने लगे। लंजा विंग को आर्म में लेकर ही उड़ रहा था। ये देख के विंग को शाई फील हो रहा था। जर्नी में विंग लंजे के बाहों में ही सो गया था। फाइनली कुछ टाइम बाद वो लोग घुस में पहुंच गए। विंग को थोड़ा फैमिलियर एयर फील हुआ तो उसने अपने आंखें खोला। आसपास कुछ लोग बातें कर रहे थे। आसपास लोग कह रहे थे, लांगवांग जी ने स्माइल किया। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा और लंजा जो कि विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा लंजा को ऐसे ही देखना चाहता है। वो सोच रहा था कि वो लकी है जो उसे लंजा मिला। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा मैं हमारे घर में वापस जाना चाहता हूँ। ये बोलते टाइम विंग ब्लश कर रहा था। लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने जिंक्शी में लेके जाने लगा। ये देख के विंग को एम्बरेस फील हो रहा था। लंजा उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि वो एक न्यूली ब्राइड हो। वो लोग जिंक्शी में आए। दिल लंजा ने विंग को बेड पर बैठा दिया। दिल लंजा खुद ज़मीन पर घुटनों पर बैठ गया विंग के सामने और कहा, विंग। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ लंजा बोलो। लंजा ने कहा, विंग मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, मैं कुछ टाइम से ये तुम्हें बोलने के बारे में सोच रहा था, मैं तुम्हें मेरा बनाना चाहता हूँ एंड अब जब हम हमारे फीलिंग्स को लेकर श्योर हैं तो होल्ड बैक करने का कोई रीज़न ही नहीं है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया एंड वो ब्लश भी करने लगा। ऑफकोर्स वो लंजा से शादी करना चाहता है एंड वो करेगा भी, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। विंग ने स्माइल किया और कहा, लंजा मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड लंजा ने विंग को किस किया। विंग भी लंजा को किस करने लगा। वो लोग ऐसे ही लविंगली किस करने लगे। फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड वो दोनों स्माइल करने लगे। देन लंजा ने अपने हेड को विंग के फॉरहेड पे रखा एंड स्माइल किया। विंग ने कहा, अगर मैं वाइफ होने वाला हूँ तो तुम्हें जियांग चेन से बात करना होगा, यू नो वो ब्राइट प्राइज एंड ऑल। ये बोल के विंग ने टिस किया एंड लंजा विंग के बॉडी को टच करने लगा। विंग ने कहा, लंजा मेरे बॉडी में अभी तक दर्द है,
तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। मैं कितना वीक हूँ, मैं टूट भी सकता हूँ। ये बोलकर वी ने रंजन के चेस्ट पे हाथ रखा और टीस करने लगा। रंजन ने कहा, मैं विंग के लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी। इससे पहले विंग कुछ कहता, रंजन ने रोल किया एंड विंग को बेड पे पुश किया एंड अगेन उनका लव मेकिंग हुआ। रंजन एंड विंग के लौटने के बाद आयुवन भी बदल गया है। आयुवन ने खुद कहा कि वो अब से रंजन एंड विंग के साथ नहीं सोएगा, वो अलग रूम पे सोएगा जहाँ पर विंग पहले सोया करता था। ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया, वो वॉरीड हो गया। वो सोच रहा था अगर आयुवन को नाइटमेयर आया तो वो क्या करेगा, एंड इस तरफ रंजन, उसने तो हाँ कह दिया एंड वो प्लीज्ड भी था। विंग सोच रहा था रंजन ने हाँ कैसे कह दिया, वो तो उसका खुद का चाइल्ड है ना, वो तो एक बार मना कर सकता था पर रंजन ने नहीं किया। बिकॉज रंजन समझ चुका था कि आयुवन उसे एंड विंग को प्राइवेसी देना चाहता है, इसलिए वो अलग रूम पे सो रहा है। विंग ने देखा कि आयुवन बहुत हैप्पी है एंड वो बहुत जल्दी मैच्योर भी हो रहा है, वो अपना खुद का काम खुद कर रहा है। ये देख के विंग को अच्छा तो लगा बट कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि आयुवन कितना जल्दी बड़ा हो रहा है। एनीवेज वो लोग शादी करने वाले हैं, उन लोगों ने डिस्कस भी किया बट शादी का सारा प्रिपरेशन बहुत ही स्लोली चल रहा था। ये देख के विंग कंसर्न था, उसे लग रहा था शायद रंजन उससे मैरिड नहीं करना चाहता। एंड देन नेक्स्ट डे ही रंजन ने कहा कि ब्राइड प्राइस प्रिपेयर्ड है एंड वो लोग बहुत जल्दी जियांग सेक जाने वाले हैं। ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ था, विंग बहुत हैप्पी हो गया। एंड देन लान कुरेन ने एक दिन विंग को टी के लिए इनवाइट भी किया जो सरप्राइजिंग था एंड विंग बहुत नर्वस था। बट एनीवेज इनविटेशन के मुताबिक वो लान कुरेन के रूम पे गया, वो लोग ऐसा टी पीने लगे। तभी अंकल ने कहा, मैंने सुना है कि मेरा नेफ्यू तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ वो चाहता है। अंकल ने कहा, तो क्या तुमने रिप्लाई किया है? उसने हमें कुछ भी नहीं कहा, उसने बिल्कुल भी ये मेंशन नहीं किया कि तुमने हाँ या फिर ना बोला है। उसने सिर्फ कहा कि हमें ब्राइट प्राइस प्रिपेयर करना चाहिए। ये सुन के विंग सोच रहा था, रंजन प्लीज़ अपने फैमिली को कहो कि मैंने हाँ कहा है। बट ऑफकोर्स रंजन वहाँ पर नहीं था तो विंग ने कहा, मैंने इमिडिएटली हाँ कह दिया था। ये बोल के विंग ब्लश करने लगा बट अंदर ही अंदर विंग को पता है कि उसने हाँ या फिर ना कुछ भी नहीं कहा था। उसने कहा था कि वो भी रंजन से शादी करना चाहता है, तो ये आंसर तो नहीं था। बट एनीवेज विंग के आंसर सुन के अंकल को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अंकल ने कहा, देन क्या तुम जानना चाहोगे कि लानी वन क्लास में कैसा कर रहा है? ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। अंकल के साथ चाय पीने के बाद विंग जेबोजुन के घर पे गया था चाय पीने के लिए, क्योंकि जेबोजुन ने भी इन्वाइट किया था। उन लोगों ने भी बातें किया। विंग ने जेबोजुन को कहा कि मिशन में ही उन लोगों ने एक दूसरे को कन्फेस किया था बट विंग ने एक्चुअल बातें नहीं कहा था कि वो लोग किस सिचुएशन में थे, कैसे उन लोगों ने कन्फेस किया, उन लोगों ने क्या क्या किया। ऑफकोर्स वो ये सब बातें जेबोजुन को नहीं कह सकते तो उसे झूठ बोलना पड़ा। दिन रात को अपने रूम पे आने के बाद विंग ने देखा कि रंजन आयुवन के साथ डिनर लेके बैठा हुआ है। विंग ने उनको ज्वाइन किया, उन लोगों ने एक साथ डिनर किया बिल्कुल एक फैमिली की तरह, एंड ऑफकोर्स वो लोग तो फैमिली ही है, एक हैप्पी फैमिली। विंग को अंदर ही अंदर फील हुआ कि वो हैप्पी है, उसे सब कुछ मिल गया है जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी है जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस ज़िंदगी में। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना। हाँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।